हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एनएबीएस क्वेश्चन ऑडिट सीरीज में हम आज पहला जो डिपार्टमेंट ले रहे हैं वो इमरजेंसी ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ऑडिट स्टार्ट होता है यूजुअली इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही होता है, और इमरजेंसी में बहुत ज्यादा एनसीज भी आती हैं। तो इमरजेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या इमरजेंसी हर एक हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी होता है, और इसमें ऑडिट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टाफिंग का क्या रूल होता है, स्टाफ को क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें हम कवर अप करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी रूम बनाना हर हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी नहीं है। जो मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं जिनमें कई सारी स्पेशलिटीज होती है, जैसे ऑर्थोपेडिक हो गया, ओबीगाइनी हो गया, बहुत सारे, उनके लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप एक इमरजेंसी डेडिकेटेड बना ले, क्योंकि क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपके पास जो पेशेंट आता है उसका इधर उधर यूज नहीं कर सकते। बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इमरजेंसी का यूज नहीं होता, जैसे कि डे केयर सेंटर, आई हॉस्पिटल, जो आई हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सिर्फ दिन में पेशेंट रहता है रात में नहीं रहता, और वो सिर्फ आई का ही ऑपरेशन करते हैं, उसमें भी ट्रांसप्लांट्स नहीं करते हैं, तो उन जैसे हॉस्पिटल्स के लिए इमरजेंसी का प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता। इस वजह से उनकी क्वेरी होती है कि आपको इमरजेंसी क्यों बनाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहां पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, वहां पर आप इमरजेंसी रूम बना सकते हैं या एक ओपीडी चेंबर को इमरजेंसी डेडिकेटेड कर सकते हैं। आई हॉस्पिटल्स में आप एक इमरजेंसी एरिया बना सकते हैं, मतलब आपका जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है वहां पे कहीं ना कहीं ओपन एरिया होगा, उस एरिया को आप डेजिग्नेट कर दो इमरजेंसी एरिया में, जस्ट इन केस कभी कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो आप उसको फर्स्ट एड देने से मना नहीं कर सकते। आप उस इमरजेंसी एरिया में उस पेशेंट को फर्स्ट एड दे दीजिए और उसके बाद उसको रिफर कर दीजिए। रिक्वायरमेंट क्या होगी इमरजेंसी एरिया की, आपको एक स्ट्रेचर चाहिए होगा जिस पर आप लिटा के पेशेंट को ट्रीट कर सको। आपको इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए होगी जो आप पेशेंट को दे सको उसके यूज के हिसाब से। बैंडेजिंग का इलाका चाहिए होगा। आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, और हैंड हाइजीन फैसिलिटी आपको चाहिए होगी ताकि आप इन्फेक्शन कंट्रोल को फॉलो अप कर सके इजीली। इतनी रिक्वायरमेंट्स आपकी है इमरजेंसी एरिया के लिए। अब आ जाते हैं इमरजेंसी रूम पे। इमरजेंसी रूम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, आपके पास बेड होना चाहिए, उस बेड पे साइड रेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। साइड रेल्स बहुत जरूरी है, अगर साइड रेल्स नहीं है तो उस पर एक क्वेरी एनिवेश हमेशा लगाता है। आपके पास बेड अवेलेबल हो, उस पर साइड रेस्ट अवेलेबल हो, एक कार्डियक मॉनिटर अवेलेबल हो, जिससे कि पेशेंट जैसे ही आप उसको कार्डियक मॉनिटर अटैच करो तो सारी डिटेल्स मॉनिटर पे आना शुरू हो जाती है। तो आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कार्डियक मॉनिटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इमरजेंसी है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी रिक्वायर्ड होगी। ऑक्सीजन सप्लाई आप चाहे तो सेंट्रल सप्लाई भी दे सकते हैं, चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर से भी दे सकते हैं, बट आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप सिलेंडर से दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो कि हर शिफ्ट में जो सिलेंडर अवेलेबल है वो भरा हुआ है, खाली सिलेंडर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। पता लगे पेशेंट आया और ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है और आप फिर पेशेंट को लेकर परेशान हो। थर्ड रिक्वायरमेंट है सक्शन की। सक्शन भी आप सेंट्रलाइज सक्शन यूज कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअल सक्शन मशीन यूज कर सकते हो, फंक्शनल होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई खास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपको हैंड हाइजीन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप इमरजेंसी रूम बनाते हो टेम्परेरी, जैसे एल्युमिनियम पार्टीशन करके, और उसके अंदर आप वॉश बेसिन नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें वो दे दीजिए हैंड रब, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब दे दीजिए, और इमरजेंसी से लगे हुए पास के किसी इलाके में हैंड वॉश फैसिलिटी अवेलेबल करा दीजिए डेडिकेटेड टू इमरजेंसी स्टाफ। वो कॉमन पब्लिक के लिए नहीं होना चाहिए, वो स्टाफ के लिए ही होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको भी अरेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आपको इमरजेंसी ड्रग्स का रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स, जिसकी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, वो ड्रग्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कुछ लोगों की क्वेरी है कि क्रैश कार्ड होना कंपलसरी है, नहीं, क्रैश कार्ड होना कंपलसरी नहीं है। आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, इंट्यूबेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्पेशलिटीज क्या है। अगर आपके हॉस्पिटल में आईसीयू फैसिलिटी है तो आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप इंट्यूबेट पेशेंट को इमरजेंसी में ही कर सके। अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है या आपके पास कोई बेसिक हॉस्पिटल है, छोटा ही हॉस्पिटल है, तो जरूरी नहीं है इंक्यूबेशन की फैसिलिटी भी रखना। आप सिर्फ इमरजेंसी ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स रखकर अपना काम चला सकते हैं इमरजेंसी में। याद रखें, इमरजेंसी का काम पेशेंट को ट्रीट करना नहीं होता, इमरजेंसी का काम होता है पेशेंट को फर्स्ट रिस्पॉन्स देना। इमरजेंसी इज डेडिकेटेड टू फर्स्ट रिस्पॉन्स और फर्स्ट एड ओनली। उसके बाद आपने पेशेंट को रिफर करना होता है उसकी कंडीशन के हिसाब से, या तो हायर सेंटर से, और अगर कंडीशन ठीक है तो रिफर टू होम, ठीक है ना। देन आपको इमरजेंसी में क्या रिक्वायर्ड होगा,
आपको इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होगा डिफिब्रिलेटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिफिब्रिलेटर 24/7 वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन अवेल डिफिब्रिलेटर बाय कोड ब्लू। आपके पास हॉस्पिटल में आईसीयू अवेलेबल है, आपके पास कोड ब्लू टीम अवेलेबल है, उसके पास डिफिब्रिलेटर पोर्टेबल अवेलेबल है जो वो लेके आ सकते हैं, चाहे मैनुअल हो चाहे चाहे एईडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में डिफिब्रिलेटर आपका मैनुअल हो या एईडी हो, ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है, वर्किंग होनी चाहिए। कोड ब्लू के रिस्पांस के साथ डिफिब्रिलेटर आप लेके आ जाते हो, इंट्यूबेशन सेट लेके आ जाते हो, तो इमरजेंसी में रखना कंपलसरी नहीं है, आप कोड ब्लू से उसको मैनेज कर सकते हो। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की है, ये इमरजेंसी के अंदर ही होना चाहिए, आप इसको इमरजेंसी से दूर नहीं कर सकते। इमरजेंसी बायोमेडिकल वेस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए वही चार कलर के डस्टबिन होते हैं, पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है और नीडल कटर होता है, ये चार चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। BMW की एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें वेल मेंशन की हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोगों की क्वेश्चन ये भी है कि क्या इमरजेंसी में एयर कंडीशन कंपलसरी है? नहीं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एयर कंडीशनर कंपलसरी नहीं है, आप पंखा लगा के काम चला सकते हो। मैंने फिर कहा पेशेंट को कंफर्ट देना और फर्स्ट रिस्पांस देना आपकी जिम्मेदारी है इमरजेंसी में, आपको वहां पर रख के पेशेंट को एडमिट करके ट्रीट नहीं करना होता, इसलिए वहां पर एयर कंडीशन नहीं है तो भी काम चलेगा। बट क्योंकि आजकल का टेम्परेचर 40-42-45 तक जाता है नॉर्मल प्लेन एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो आप एयर कंडीशनर लगा लेंगे तो आपके पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो रेकमेंडेड कंपलसरी नहीं है बट रेकमेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, इमरजेंसी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा। एक आपका इमरजेंसी रजिस्टर होगा, जिसे लॉग बुक भी कह सकते हैं आप, उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होगा किस चीज का, जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहा है उसका UHID नंबर, उसका नाम, उसका एज, अगर हो सके तो उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, उसको कंप्लेन क्या है, किस कंप्लेन को लेकर वो आया, क्या प्रोसीजर आपने किया, ठीक है, और उसके बाद आपने पेशेंट को क्या एडमिट किया, या आपने रिफर कर दिया किसी दूसरे हॉस्पिटल, या आपने छुट्टी करके उसको घर भेज दिया, ये रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हॉस्पिटल में रेफरल रजिस्टर अलग से बनाया गया है, आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो कि किस पेशेंट का क्या प्रोसीजर किया, उसके बाद उसको कहाँ भेजा, अगर एडमिट किया तो कौन से वार्ड कौन से बेड नंबर पे भेजा, अगर दूसरे हॉस्पिटल रिफर किया तो कौन से हॉस्पिटल रिफर किया उसका नाम मेंशन कीजिए, और अगर रिफर टू होम कर दिया तो उसमें लिख दीजिए रिफर टू होम, और उसके बाद स्टाफ के सिग्नेचर जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ है उसके। ये रिकॉर्ड बहुत कंपलसरी है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, NABH में एंट्री लेवल हो चाहे हायर NABH हो, दोनों में ये कंपलसरी है, ये दोनों रिकॉर्ड होने ही चाहिए। देन आपका MLC रजिस्टर, मेडिकल लीगल रजिस्टर, और पुलिस इंफॉर्मेशन रजिस्टर PI रजिस्टर, ये दोनों चीजें भी इमरजेंसी में अवेलेबल होनी चाहिए। इमरजेंसी के अलावा अगर आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी कहती है कि नहीं हम इमरजेंसी नहीं रखेंगे कहीं और रखेंगे, डजंट मैटर्स, बट इमरजेंसी स्टाफ को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने पे वो बता सके कि MLC इस तरह होता है, PI इस तरह से PI इस तरह से भेजी जाती है, तो ये रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। देन आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि अगर आप क्रैश कार्ड रख रहे हैं तो क्रैश कार्ड में कौन से ड्रग्स हैं और कितने कितने हैं, वो डेली की चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है इमरजेंसी में, उसके अंदर जो मेडिसिन रखी है उसकी चेकलिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बाहर उसका टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाहर लिस्ट लगी होनी चाहिए कौन से ड्रग्स हैं और कौन से इसमें रखे हैं, कितने रखे हो। और अगर आप इमरजेंसी ट्रे यूज करते हो, इमरजेंसी मेडिसिन रखते हो, तो भी उसका इन्वेंट्री कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कितने ड्रग्स कितने शिफ्ट में अवेलेबल है। आप ये रिकॉर्ड डेली का भी बना सकते हैं और पर शिफ्ट का भी बना सकते हैं, रिकमेंडेड है पर शिफ्ट, ताकि ये रिकॉर्ड मेंटेन हो कि आपका ड्रग मिसयूज तो नहीं हो रहा है या गायब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टाफिंग की अगर बात करें तो एक इमरजेंसी में अगर आपका सिंगल या डबल बेड है तो एक शिफ्ट में एक स्टाफ अवेलेबल हो, इतना काफी है। आप वहां पर ड्यूटी पर इमरजेंसी टेक्नीशियन को रख सकते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप नर्सिंग स्टाफ को रख सकते हैं जो कि GNM मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको रख सकते हैं, उसके हायर एजुकेशन पे भी आप रख सकते हैं, BSc नर्सिंग हो MSc नर्सिंग हो डजंट मैटर्स। इमरजेंसी टेक्नीशियन, ट्रॉमा टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, इन तीनों को रख सकते हैं, शर्त यह है कि वो मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल से या मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड स्टाफ होने चाहिए। ट्रेंड एंड रजिस्टर्ड स्टाफ को ही एक्सेप्टेबल किया जाएगा, अनट्रेंड स्टाफ या अनरजिस्टर्ड स्टाफ को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। नर्सिंग स्टूडेंट्स के दम पर इमरजेंसी नहीं छोड़ी जा सकती, आपको स्टूडेंट अगर रखना है ट्रेनिंग के पर्पज से उसके साथ में एक रजिस्टर्ड सीनियर स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। आपके ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो रजिस्टर्ड स्टाफ की ही होगी। साथ में हॉस्पिटल का एक RMO अवेलेबल होता है,
जरूरी नहीं कि वो आरएमओ आपके इमरजेंसी में ही बैठे, उसका अलग चेंबर भी हो सकता है, वो आईसीयू में भी बैठ सकता है। वहां से जब भी पेशेंट आएगा आप कॉल करके उनको बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतनी रिक्वायरमेंट, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन आपके पास स्पिल किट अवेलेबल होनी चाहिए आपकी इमरजेंसी में। स्पिल मैनेजमेंट पे अलग से वीडियोस हैं, एक वीडियो और रिपीट करने के लिए रिक्वायरमेंट आई है तो उसको रिपीट करके बना दूंगा। स्पिल किट के साथ साथ आपके स्टाफ को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या है, सबसे पहली, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी कोड ब्लू, उसको सीपीआर आना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफाइड हो ये जरूरी नहीं। ध्यान रखें एंट्री लेवल के हिसाब से बेसिक लाइफ सपोर्ट आपके नर्सिंग स्टाफ को आना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सर्टिफाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, फुल एनएबीएच में सर्टिफाइड होना जरूरी होगा। और आईसीयू के लिए एसीएलएस की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, इमरजेंसी के लिए बीएलएस की ट्रेनिंग सफिशिएंट होती है। देन अगर उसको इंट्यूबेशन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता कंपलसरी नहीं है, उसको कोड ब्लू आना चाहिए, वो अनाउंस कर दे कोड ब्लू, आपकी कोड ब्लू की टीम आके उसको हैंडओवर कर दे, तब तक वो सीपीआर कर ले, सीपीआर हाई क्वालिटी सीपीआर उसको आना चाहिए एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस। अगेन रिपीटिंग, सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल। ये ट्रेनिंग आपका एनेस्थेटिक दे सकता है या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ये ट्रेनिंग देना ऑथराइज है, जिसने ट्रेनर कोर्स किया हुआ है और वैलिड है, वो ये सर्टिफाई कर सकता है, वो उसको ट्रेनिंग दे सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग स्किल मैनेजमेंट, उनसे पूछा ही जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा स्किल मैनेजमेंट कैसे करते हो। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली पूछा जाएगा, और आपका पीपी इन्फेक्शन कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और आपका हैंड हाइजीन फैसिलिटीज, ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं इमरजेंसी स्टाफ से। इमरजेंसी नर्सिंग स्टाफ के अलावा वहां पे जो हाउसकीपिंग स्टाफ होंगे या जीडीएस स्टाफ होंगे उनसे दो तीन सवाल पक्के पूछे जाते हैं। पहला स्किल मैनेजमेंट है, उनको स्किल मैनेजमेंट रटा कर रखिए और डिमॉन्स्ट्रेशन दे सके इतना उनको ट्रेन करके रखिए। दूसरा हैंड हाइजीन फैसिलिटी है। तीसरा है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल, क्या कम्युनिकेबल डिजीज आया, कोविड का पेशेंट आया तो कैसे डील करोगे, या उसके बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हैंडल करोगे। उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आप बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हो, तो नहीं आपका काम नहीं है, वो नर्सिंग स्टाफ का काम है डिस्कार्ड करना। देन रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को शिफ्ट करने की। पेशेंट को शिफ्ट करोगे आप या तो स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। हम लोग अपने हॉस्पिटल में ये पॉलिसी नहीं रखते कि पेशेंट अगर चल के जा सकता है तो उसको चल के जाने दे। पेशेंट कितनी भी अच्छी कंडीशन में है, हमारी पॉलिसी है कि हम उसको व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे ही लेके जाएंगे, पैदल अलाउड नहीं। तो उसमें क्या जरूरी है, आपको आपके जो व्हील चेयर है और जो स्ट्रेचर है उनपे सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए या साइड रेल होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट की गिरने के चांसेस ना हो। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है और ये इमरजेंसी के बाहर देखा जाता है। आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर कितना है ये देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, आपका इन्वेंट्री जो है कितना कितना आप रखते हो वो चीज देख सकते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में रूम का टेम्परेचर और प्रेशर भी ह्यूमिडिटी मांग लिया जाता है क्योंकि ड्रग्स रखे होते हैं इस वजह से, बट इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता ऑडिटर्स का। जो फोकस मेन होता है वो होता है आपके इमरजेंसी कोड्स पे। अगर आग लगेगी फायर की कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपके इमरजेंसी स्टाफ को फायर सिलेंडर चलाना आना चाहिए, कोड रेड की ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, और कोड रेड अनाउंस करके अगर वो डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहे तो वो दे सके, इतना ट्रेनिंग उनके पास होना चाहिए। उनके जरिए से ये भी पूछा जाएगा आपके पास डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं ऑन ड्यूटी, तो वो भी बता सकें कि हमारे पास इतने आरएमओ हैं, इतने हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ये सारी चीजें। इंटरकॉम फैसिलिटी पूछेंगे तो बताएंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अगर अवेलेबल है उसके बारे में पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और कुछ पूछा जाएगा आपसे, बट इतनी चीजें रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मुझे कमेंट में डाल दीजिए अपने क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दोस, एंड गुड लक फॉर दोस हैविंग ऑडिट्स फॉर एनएबीएच।